ये खबर भी अपने आप में अहम हो जाती है। जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि हमने 10,000 सैनिकों को मार गिराया है। अब ये बड़ी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कहां हैं इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जवाब जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सर, इसी बात पे अपने एड ऑन करते हुए, ये जो आप कह रहे हैं कि 10,000 सैनिकों को मार गिराया है, वैसा जो चित्र सामने आए हैं और जो विजुअल्स आए हैं वैसे तो लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देखिए यूक्रेन के ऊपर चाहे वो एयरफोर्स का एयर सुपीरियरिटी हो, एयर डोमिनेंस हो, नेवल डोमिनेंस हो और ग्राउंड पर डोमिनेंस हो, वो तो रूसी सेना की दिखती है। तो उसमें 10,000 लोगों का मारा जाना और जिस तरह के वेपन्स यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है कि अपने आप में एक मनोबल बढ़ाने वाली खबर हो। लेकिन यहाँ पर जो बात खास उठती है कि इस वक्त जो युद्ध स्तर पर स्थिति है, रूसी सेना जो है वो कंट्रोल में है, कीव की घेराबंदी हो चुकी है।